हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर विवेक्स और आपका स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में। आज का हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम कैरी की चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही फेमस इफेक्ट है। ये इफेक्ट मैं इस इमेज के ऊपर बनाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मेन इमेज कुछ ऐसा था, उसे हमने ऐसा बनाया। तो इफेक्ट बहुत सिंपल है और ये करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्यूटोरियल आज का। मैं सब लेयर को यहाँ डिलीट करता हूँ, जो मेन लेयर है उसको रखता हूँ। तो ये हमारा मेन इमेज था। सबसे पहले हम इसका एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद हम दोनों को रेस्टराइज लेयर बनाएंगे। राइट क्लिक रेस्टराइज लेयर। ऊपर का नाम दूंगा मैं हेयर, क्योंकि इसमें सिर्फ हम हेयर का काम करेंगे। ये सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा फिल्टर ऑयल पेंट इफेक्ट, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसमें सिर्फ हमें हेयर और बियर्ड को देखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे ये थोड़ा स्मूथ करूँगा इसको। स्केल थोड़ा कम करता हूँ तो थोड़ा स्मूथ लगेगा। साइन थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ और प्रेस करता हूँ ओके। ओके प्रेस करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो पार्ट है सब इरेज करेंगे। तो मैं मास्क ऐड करूँगा, ऐड मास्क, और यहाँ ब्रश टूल लेके ब्लैक लेके हार्डनेस को रखूँगा 50% के आसपास, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पे मैं ब्रश करूँगा तो वो हट जाएगा। तो ये मैंने इरेज कर लिया है। अब मैं दोनों लेयर को मर्ज करूँगा, कंट्रोल ई करूँगा तो दोनों लेयर मर्ज जाएगा। मर्ज होने के बाद मैं जाऊँगा फिल्टर में जाके मैं आइस को और लिप्स को और ईयर्स को बड़ा करूँगा। तो मैं यहाँ ब्लोट टूल लूँगा और यहाँ पर क्लिक करके आइस के एकदम सेंटर में क्लिक करें तो ये बड़ा होगा इस तरह से। ईयर्स में भी वही करें, बाहर लेके जाए उसे। और लिस्ट में भी यही करें। नोज में भी आप सेम। ये करने के बाद मैं जाऊंगा फिल्टर कैमरा रूम में और इसमें थोड़ा बेसिक एडजस्टमेंट दूंगा। जैसे मैं एक्सपोजर को कम करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊंगा, हाईलाइट को बढ़ाऊंगा, क्लियरिटी को बढ़ाऊंगा। इस तरह से हमारा इफेक्ट रेडी है। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।